न ट्रैफिक रोका गया, न ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया और सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही तैयार हो गया 130 मीटर लंबा, करीब 15 मीटर चौड़ा और 3000 मैट्रिक टन का हिंदुस्तान का सबसे लंबा स्टील ब्रिज। जी हां, देश के किसी भी नेशनल हाईवे पर सबसे लंबा स्टील ब्रिज गुजरात के बड़ोदरा में तैयार हो गया है और वो भी रिकॉर्ड समय में। दरअसल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 130 मीटर लंबे स्टील ब्रिज को सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में पूरा किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस स्टील ब्रिज को तैयार किया है। सबसे खास बात यह है कि इस स्टील ब्रिज को बनाने के दौरान ना तो सड़क पर ट्रैफिक रोका गया, ना ही कभी ट्रैफिक डाइवर्ट ही किया गया। बिना सड़क यातायात बाधित किए इस 3000 मैट्रिक टन स्टील ब्रिज को उसकी जगह पर काबिज कर दिया गया। इस ब्रिज को महाराष्ट्र के वर्धा में तैयार किया गया है। इसे इंस्टॉलेशन के लिए ट्रेलरों पर रख कर साइट तक पहुंचाया गया। ब्रिज निर्माण में C5 सिस्टम पेंटिंग और धातु के गोलाकार बियरिंग के साथ 1,24,246 टोर शियर टाइप हाई स्ट्रेंथ बोल्ट को काम में लिया गया है, जो 100 साल तक खराब नहीं हो सकते। स्टील ब्रिज को अस्थाई ट्रेस्टर पर जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसे मेक मिश्र धातु बार का उपयोग करते हुए दो अर्ध स्वचालित जैक की स्वचालित प्रणाली से खींचा गया, जिनमें से हर की क्षमता 250 टन है। जानकारी में यह भी सामने आया है कि यह पूरे कॉरिडोर के लिए 28 स्टील ब्रिज में से तीसरा है। पहला ब्रिज सूरत में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर और दूसरा स्टील ब्रिज नाड़ियाद के पास रेलवे की वडोदरा अहमदाबाद मुख्य लाइन पर लॉन्च किया गया था। राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए सबसे उपयुक्त 40 से 45 मीटर तक वाले प्री इंस्ट्रेटेड कंक्रीट ब्रिज के विपरीत स्टील ब्रिज राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और इन सड़कों के लिए सबसे मुफीद बताई जाती है। बहरहाल बिना ट्रैफिक रोके और सिर्फ 24 घंटे के भीतर इंस्टॉल हुए इस स्टील ब्रिज की हर तरफ चर्चा हो रही है।